हे हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं दी टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर से लेकर आ गए हूँ आपके लिए बहुत ही दमदार ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप भी इस वीडियो को इंटरनेट पर देख रहे हैं तो आपको भी इंटरनेट चलाने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती होगी। जो कि आपको डाटा डेली का मिलता है, जो प्रतिदिन का आपको डाटा मिलता है वो लिमिटेड डाटा होता है। आपको ये कैसे जानना है कि जो आपका डाटा है उसकी लिमिट क्या है और वो कितना डाटा आप कंज्यूम कर चुके हैं और कितने आपके नेट की जो स्पीड आ रही है। दोस्तों आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि जो आपके इंटरनेट है वो कितनी स्पीड से चल रहा है और जो है आपने कितना डाटा अभी तक कंज्यूम आप कर चुके हैं। दोस्तों काफ़ी मोबाइल में ये फीचर होता है कि उनकी नोटिफिकेशन के पैनल में ही देख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे कि मेरी नोटिफिकेशन के पैनल में ही चल रहा है कि मेरी डाटा की जो स्पीड है वो कितनी आ रही है और कितना डाटा मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको इसको कैसे देखना है। अगर तो दोस्तों आपके पास में MI का Xiaomi का मोबाइल है तो आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आपको जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है फुल स्क्रीन सेटिंग में। फुल स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नोच एंड सेटअप बार में। नोच एंड सेटअप बार में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है शो कनेक्टिविटी स्पीड। शो कनेक्टिविटी स्पीड पर जैसे आप, ये आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा तो आपको इसको इनेबल करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इनेबल हो जाता है। और देख सकते हैं आप ऊपर आपको जो नेट की स्पीड है वहाँ पर आपको शो होगी। जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो वहाँ पर जो नंबरिंग आ रही थी वो नंबरिंग गायब हो जाती है, और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो वहाँ पर जो नंबरिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आपके पास में MI का मोबाइल नहीं है तो आपके लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद इंटरनेट स्पीड यहाँ पर सर्च करना होगा। अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इंटरनेट स्पीड मास्टर। वो आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, नहीं तो मैं उस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका इंटरफेस जो है होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये डेट वाइज आपका डाटा जो आपने कंज्यूम किया है, जो आपने यूज़ किया है वो दिखाता है, और आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी यहाँ पर आपकी स्पीड को जो है शो कराता रहता है कि अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वाईफाई से आपने कितना डाटा जो है कंज्यूम किया है, और अगर आप अपने नेट की मोबाइल की स्पीड से कर रहे हो तो आपने कितना डाटा मोबाइल की स्पीड से कंज्यूम किया है। दोनों की दोनों स्पीड यहाँ पर आपको दिखाता है, और फिर डेट वाइज भी आपको यहाँ पर दिखाता है। मोबाइल का डेट वाइज दिखाता है, वाईफाई का भी डेट वाइज दिखाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।